साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। उत्तर प्रदेश में 37 साल का मिथक तोड़ के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार दूसरी बार बनाई, लेकिन अभी इस सरकार के 125 दिन ही करीब पूरे हो रहे हैं। इसी बीच इस सरकार के एक अहम मंत्रालय के एक अहम मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। दिनेश खट्टिक उनका नाम है। कल रात से ही काफ़ी बवाल मचा हुआ है। दिनेश खट्टिक ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके उन्होंने कई कारण बताए हैं अपने इस इस्तीफे के। उन्होंने विभाग में अपनी अनदेखी का सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ये कहा है कि विभाग में मेरी कोई सुनता नहीं है। ये कहा है कि विभाग के अधिकारियों से किसी मामले को लेकर के सवाल पूछो तो वो जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मीटिंगें हो जाती हैं और मुझे कोई इत्तला तक नहीं करता है कि मीटिंग भी होनी है। उन्होंने ये कहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर विभाग के अधिकारियों ने खेल कर डाला है, मैंने इसको लेकर के सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने ये कहा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के जरिए जिस तरह से देशवासियों को एक नई योजना से जोड़ने का प्रयास था, हर घर जल वाली योजना, हर घर नल वाली योजना, उस योजना में भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लापरवाही चल रही है, मैंने सवाल खड़ा किया तो कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है, क्योंकि जो पत्र उन्होंने लिखा है अमित शाह को, उस पत्र में उन्होंने कई बार ये लिखा है कि मैं दलित हूँ, और दलित होने के साथ उन्होंने ये लिखा है कि दलित समाज के होने के नाते मेरी अनदेखी हो रही है, कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक दलित समाज के मंत्री की सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है, विभाग के मंत्री की बातें अधिकारी नहीं सुनना चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, तो ये दलित समाज के लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं इस्तीफा दूंगा। ये दो पन्ने का जो पत्र है उन्होंने लिखा है, और इसमें आखिरी में उन्होंने ये लिखा हुआ है, जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। दलित समाज, बार बार उन्होंने दलित और दलित समाज का इस्तेमाल किया है। इन्हीं सभी बातों से आहत होकर मैं इस पद से त्यागपत्र देता हूं। त्यागपत्र उन्होंने कल रात में दे दिया था। त्यागपत्र दिया सरकार के मुखिया को जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है। नई वाली परंपरा में दिनेश खट्टिक ने ये त्यागपत्र सीधे दिल्ली पहुंचा दिया अमित शाह को। अब अमित शाह जी के पास पता नहीं इतना समय या इतनी पावर है कि नहीं है, ये भी समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये त्यागपत्र उन्होंने अमित शाह जी को क्यों लिखा। अगर उन्हें त्यागपत्र देना ही था तो उनके घर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर राज्यपाल रहती हैं, वहाँ पर जा करके उनको सीधे दे देते। क्या कारण था? क्या सिर्फ हाईलाइट होना चाह रहे थे या कुछ और मामला था? सरकार से नाराजगी थी, सरकार के अधिकारियों से नाराजगी थी, काम को लेकर के नाराजगी थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जाकर के शिकायत कर देते, बैठ लेते, बात कर लेते, बता देते, क्योंकि नाराजगी उनकी सरकार को लेकर के ही है, सरकार के अधिकारियों को लेकर के ही है, विभाग के अधिकारियों को लेकर के ही है। उनका अभी कुछ दिनों पहले मेरठ के एक कप्तान थे, पूर्व हो गए हैं अब, उनसे भी उनकी बहस हो गई थी किसी मामले को लेकर के। बताया जा रहा था कि किसी कार्यकर्ता का कोई मामला था, उसको लेकर के दिनेश खट्टिक थाने गए हुए थे, वहाँ पर थाना अध्यक्ष सिपाही से उनकी बात नहीं बनी, बात बिगड़ गई, एसएसपी तक मामला पहुँचा, एसएसपी ने भी बात नहीं सुनी, वहाँ पर भी मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसको लेकर के सरकार ने कार्रवाई की थी। हालाँकि अब वो कप्तान वहाँ पर नहीं है, हटा दिए गए हैं। तो दिनेश खट्टिक लंबे समय से नाराज़ चल रहे थे सरकार में, मंत्रियों से, विभाग के मंत्रियों से, और माफ़ कीजिएगा, विभाग के मंत्रियों से और विभाग के अधिकारियों से भी वो एक लंबे समय से नाराज चल रहे थे। विभाग के मंत्री, इस विभाग के जो मंत्री हैं वो इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी इस मामले को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये कह दिया कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता है, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। और जब दिनेश खट्टिक से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि कोई विषय नहीं है। तो जब विषय नहीं है तो ये 1.5 पन्ने का पत्र लिखा गया, क्यों लिखा गया? उसमें सारी चीज़ें लिखी गई, कई बार दलित समाज लिखा गया, दलित लिखा गया और सीधे दिल्ली भेज दिया गया।
क्या दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं? अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला ये भी है कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पर जो खेल हुआ, उसके बाद अलग अलग विभागों की जांच बैठाई गई, पीडब्ल्यूडी विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, उसमें कार्रवाइयां हुई और पीडब्ल्यूडी विभाग में ओएसडी पद पर तैनात अधिकारी को हटाया गया, 3-4 और अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी। अब जितेंद्र प्रसाद भी दिल्ली जाकर के बैठे हैं, वो भी नाराज हो गए हैं। नाराज हैं कि क्या कारण है, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बैठक में बीजेपी सेंट्रल के कई सारे नेता मौजूद रहेंगे, चर्चा विचार विमर्श होगा कि ये कारण क्या है, क्यों नाराज हो रहे हैं सब, क्या ये ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पर हुआ है, क्या होना चाहिए था, मंत्रियों ने सही किया गलत किया, अधिकारी क्यों इतनी मनमानी कर रहे हैं, इन सब को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सरकार से नाराज हैं या नहीं है, या सिर्फ अपने अपने विभाग के अधिकारियों से नाराज हैं, इन सब विषयों को लेकर के एक बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम और सबसे गर्म मुद्दा यही है कि आखिर 125 दिन बीत रहे हैं सरकार के दूसरे टर्म के कार्यकाल के, और 125 दिन में ही एक मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, वो भी सीधे दिल्ली के आला कमान को। मयान सुनिए और उसके बाद मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने आज, जो कि स्वयं दलित समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं, शोषित समाज से हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये इल्जाम लगाते हुए कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन बे इंतहा सीमा पहुंच गया है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, अफसरशाही बेलगाम हो गई है, सरकार पूरी तरह से फेल है, दलितों के, पिछड़ों की, गरीब की, वंचितों की, जिसकी जायज जो आवाज है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री का दर्द साफ छलक रहा है, किस तरीके से करप्शन का इल्जाम प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो योजनाएं चल रही हैं उसके, उनमें जो प्रदेश सरकार की योजनाएं उनमें, और किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग्स में पैसा लिया जा रहा है, तो ये इन सब पे मुझे लगता है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ इन पे ही नहीं, और भी बहुत सारे मंत्रियों ने पहले ऐसी शिकायत की है, चिट्ठियां लिखी हैं, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीयत अब खुलती जा रही है। एक पर एक मंत्री आज दिल्ली का शरण लिए हुए हैं। पहले केशव मौर्य जी ने लिया, जितिन प्रसाद जी ने लिया, अब दिनेश खटिक जी ने लिया। आखिर माजरा क्या है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और पूरी तरह यह स्पष्ट होता है योगी सरकार में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। जनता देख रही है, आने वाले दिन में जरूर जवाब देगी। दो मिनट के लिए कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है? नहीं, इस्तीफा दिया भाई, कोई विषय नहीं। आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, वो बढ़ाते हैं। अपने बयान सुने, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का, दिनेश खटिक का बयान सुना, और बाकी दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सुनी। मेहमान थोड़ी देर में जोड़ूंगा, लेकिन ये अपने में एक गंभीर विषय है और इस विषय पर चर्चा लगातार सुबह से हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल जब ये पत्र लिख करके दिनेश खटिक ने दिल्ली अमित शाह से शिकायत की, उसके बाद वो लखनऊ वाला आवास छोड़ करके मेरठ चले गए थे, और आज जब मेरठ में उनसे सवाल पूछा गया तो वो उन्होंने कहा कि कोई विषय नहीं है। तो जब कोई विषय नहीं है तो इतनी बड़ी नाराजगी थी, नाराजगी की अगर चर्चा विचार विमर्श बातचीत करी जाती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठकर बात कर ली जाती। और वसीम बरेलवी का एक शेर भी है, उस शेर के मायने ये हैं कि अगर बात करने का सलीका हो तो बात सुनी जाती है, और सही समय पर कही जाए, सही तरीके से कही जाए तो समझी भी जाती है। तो क्या ये जो बात दिनेश खट्टी की तरफ से रखी गई, ये बात सही समय पर सही तरीके से रखी गई, कही गई, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विजय दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं। आप सभी मैं उनको आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ा समझना चाहता हूँ मैं कि आखिर ये दिल्ली वाला मैटर क्या है? अगर कोई नाराज है तो नाराजगी की शिकायत यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या नहीं की जा सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है? वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, दिनेश खटिक ने पत्र लिख डाला 150 पन्ने का और सीधे अमित शाह के नाम से लिख डाला, अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिखा? समझ नहीं आया क्या कारण था? क्या ये सिर्फ एक हाईलाइट होने का तरीका है, या सच में इस्तीफा देना चाह रहे थे वो?
बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश जहां तक आप समझ सकते हैं बड़े स्पष्ट सी बात है, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है और हमारे बहुत सारे एमपी जो हैं, मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश से मेजॉरिटी ऑफ एमपी भारतीय जनता पार्टी को जाता है, तो इसका केंद्रीय स्तर पे महत्व बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जब हाईकमान एक 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 वर्ड है, ये हाईकमान राजनीति में बड़ा इसकी चर्चा होती है, ये कोई नया शब्द नहीं है, कांग्रेस की सरकार हो चाहे और भी सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की रही हो, बीएसपी की रही हो, सब में जो है हाईकमान बड़ा चर्चा में रहता है। तो आप जो है अगर ये सोच रहे हैं कि हाईकमान के बगैर कुछ होता है तो मैं ऐसा नहीं मानता। तो कारण वही है कि दिनेश सटीक को ये लगता है कि हमको जो है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के दूसरे ऑर्डर का सबसे पावरफुल व्यक्ति जो है, अगर हम उसके पास अपना शिकायत दर्ज कराते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं, तो शायद बेहतर ढंग से हम अपनी बात को रख पाएंगे। क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, मैं कहूं कि उनमें उनका विश्वास नहीं है, तो इन शब्दों में शायद कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, कारण ये है कि वो अप्रोच क्यों कर रहे हैं ऊपर को, भाई कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण तो उसको लगता है कि भाई मुख्यमंत्री के बजाय मुझे जो है देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नंबर दो के नेता के पास जाना चाहिए और अपनी बात को कहना चाहिए। हो सकता है कि वो सीधे शायद चाहते तो प्रधानमंत्री को मेरी चिट्ठी लिख देते, लेकिन मजेदार बात यह है सारी थ्योरी में कि केवल पत्र में बात लिखी गई है और वो भी पार्टी के सीनियर लीडर को लिखी गई है। जहां तक बात ये सुबह से जो मीडिया में चल रहा त्याग पत्र वाली बात, त्याग पत्र की बात पे जो है जो मंत्री है वो भी कन्नी काट रहे हैं और जो बात और भी लीडर से बात जो की जा रही है मीडिया में, उसमें कहा जा रहा था कि नहीं कोई बात नहीं था, कोई बात नहीं। तो ये चिट्ठी जो डेढ़ पन्ने की जैसा आप कह रहे हैं और जैसा कि पूरे मीडिया में चल रही है, जिसको कि कथित चिट्ठी भी कह दिया गया, तो चिट्ठी क्यों लिखी गई भाई? उनको लगता है कि दलित, उन्होंने अपनी चिट्ठी में साफ इस बात का जिक्र किया है कि मैं दलित हूं और मुझे जो है दलित होने के नाते जो है पार्टी में लोगों ने दरकिनार कर दिया या मंत्री होने के नाते मुझे विभाग में काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, मेरे पास में बंटवारा विभाग में किसी प्रकार का कार्यों का नहीं है जिसके कारण से कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। दूसरी बात जो शिकायत सचिव है चाहे जो अधिकारी हैं वो भी उनके फोन को बीच में काट देते हैं, उनसे बात ठीक से नहीं करते हैं। ये भाई किसी का एक मंत्री होने का अधिकार जो है वो उसको मिलना चाहिए, तो भाई शिकायत दर्ज कराई गई है। अगर इस्तीफा नहीं देना था तो ये पत्र क्यों लिखा? दूसरी चीज क्या, ये पत्र लिखने के बाद उनको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब तो मुझे लग रहा है उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा? नहीं नहीं, ये सारी संभावनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जो तौर तरीका उसे काम करने का, मुझे नहीं लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस प्रकार की संभावनाएं और भी उसमें संभावित है। लेकिन जो है जो जो दिनेश खटिक ने किया, अल्टीमेटली उन्होंने कुछ एक राजनेता के तौर पर उन्होंने एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, तो कुछ तो सोचा होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने यूं ही चिट्ठी लिख दी। अरे भाई उनका जो दर्द है वो सामने है आपके, अब उस दर्द का निवारण होता है नहीं होता है पार्टी क्या करती है, ये पार्टी साथ कर लेते हैं, पार्टी के स्तर का मामला है, ये पार्टी को तय करना होगा। उन्होंने रेजिग्नेशन फॉर्मली किसी को हैंड ओवर नहीं किया है। आप देखिए स्थिति को समझिए, एक पत्र लिखा गया है जिसको कि इस्तीफा कहा जा रहा है, लेकिन फॉर्मली इस्तीफा देने के लिए जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज जिनको कहना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, उनको नहीं दिया गया इस्तीफा। इस्तीफा केवल शिकायती पत्र के तौर पे गृह मंत्री अमित शाह जी के पास गया है। ठीक सर, मैं आता हूँ। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। जैन साहब, एक दलित मंत्री को आप लोग क्यों नहीं तवज्जो दे रहे भाई? उन्होंने पत्र लिखकर ये कह दिया कि मुझे तवज्जो नहीं मिल रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे। उसकी शिकायत उन्होंने पहले भी कई बार शायद आप लोगों से की है, आप लोग मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो, क्या कारण है? अब उन्होंने इस्तीफा लिख दिया है, क्या माना जाए इसको? इस्तीफा हुआ है नहीं हुआ है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। पहली बात तो ये है कि अभी जी आदरणीय दुबे जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक शिकायती पत्र है,
दूसरी बात ये है कि आप राज्यपाल महोदय को इस्तीफा सौंपते, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा सौंपते, तो यहाँ इस्तीफा ना दे करके अगर इस्तीफा देना था तो राज्यपाल महोदय को सबसे पहले देते, शपथ ग्रहण वो कराते हैं तो, और अगर आपको पार्टीगत देना था तो आपने मुख्यमंत्री को दे सकते थे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो जो एक डिसाइडिंग पर्सनालिटी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी है यहाँ पर यूपी में। दूसरी बात क्या है कि जो शिकायती पत्र दिया है माननीय दिनेश खटिक जी ने और अमित शाह जी को दिया है और प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया है, अपनी सारी बातें रखी हैं, तो देखिए इसके पहले माननीय स्वतंत्र देव जी का भी पक्ष आता है कि अभी एक दिन पहले हमारी पूरी चर्चा हुई है, बात हुई है और वो लगातार हमसे मिलते रहते हैं, वार्ता होती रहती है। कैबिनेट मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी है, जल शक्ति मंत्री और ये राज्य मंत्री, तो ऐसे में अगर उनको तो उसके बाद में भी लगता था कोई शिकायत है तो उन्हें अपने कैबिनेट मंत्री को देना चाहिए, वहां पर भी उन्होंने नहीं दिया और इसके पहले उन्होंने उनसे कोई चर्चा भी नहीं की कि नहीं मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, मेरी बात अब भी नहीं सुनी जा रही आपसे कहने के बाद भी। लेकिन फिर अचानक कैसे क्या हुआ, अभी जब तक चीजें स्पष्ट ना हो तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं है ना तो स्वीकार हुआ है, ठीक है ये बात तो स्पष्ट है। अच्छा एक चीज मुझे, आप कह रहे इस्तीफा नहीं हुआ है, उन्होंने हालांकि आखिरी में लिखा है कि मैं त्याग पत्र देना चाहता हूँ, स्वीकार हो ना हो वो तो बात का मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है वो अपने विभाग में जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही है उसको भी उजागर कर रहे थे, इसकी शिकायत तो पहले भी की होगी ना। नहीं देखिए जहाँ तक अधिकारियों की बात हो रही है तो हमने आपसे बताया कि जो कैबिनेट मंत्री हैं विभाग को जो देखने वाले पूर्ण रूप से हैं वो माननीय स्वतंत्र देव जी हैं। अगर इस तरीके से विभाग में गड़बड़ी होती, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा होता तो सबसे पहले तो माननीय स्वतंत्र देव जी सवाल उठाते और वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसके पहले भी कैबिनेट में भी रह चुके हैं, तो हमें ही लगता है कि उनकी बात को तवज्जो नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात ये एक बड़ी बात मैं आपसे बताऊं कि जो बार बार सारे की सारे जितने विपक्षी दल हैं वो चाहे सपा हो या जो है उनके साथ में जयंत जी हो या कोई और हो, जो बार बार आ रहा है कि दलितों का अपमान हो रहा है और दलितों का आप सम्मान नहीं कर रहे, अरे तो 9 मंत्री हैं दलित भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश की सरकार में 9 दलित मंत्री हैं, वो चाहे बेबी रानी मौर्या जी हो, असीम अरुण जी हो और अनूप पालबीकी जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं और ये मन्नू कोरी जी हैं और ये विजय लक्ष्मी गौतम जी, तो कई सारे मंत्री हमारे हैं, तो इन्होंने तो कोई सवाल नहीं उठाया कि हम दलित है इसलिए हमारा अपमान हो रहा है, इसलिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो अचानक एक ये कह दे रहा है कि दलित है, तो इसमें दलित और गैर दलित की बात नहीं है। हाँ एक चीज मैं और बताऊंगा आपको नितिन जी कि ये सवाल केवल दिनेश खटीक जी का नहीं है, कई सारे विभागों में ये देखा गया है कि कई अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे और उनपे कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ है, एक्शन इसीलिए हुआ है, कार्रवाई हुई है जिससे कि उनके ऊपर लगाम भी कसी जा सके और उनकी मनमानी नहीं चलेगी। विभागों के मंत्री बनाए गए हैं, मंत्री से बिना कोई बातचीत किए अगर वो खुद डिसीजन ले रहे हैं तो ये गलत है और ये प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है और जो एक मंत्री को जो एक संवैधानिक पावर दी गई है उसका भी उल्लंघन है, ठीक है, तो इस उल्लंघन को इन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो उचित कार्रवाई बनती है, जो संवैधानिक और विधिक कार्रवाई है तो उसको किया जा रहा है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि दिनेश खटिक जी के विभाग का मामला हो गया, कुछ अधिकारी है पहले से है जो किसी मानसिकता से ग्रसित है और सरकार को पलीता लगाना चाहते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको हटाया भी जा रहा है, उनपे आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक मैं आता हूँ, शिल्पी चौधरी जी हमारे सपा से हैं, शैलेन तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। शिल्पी जी आपने जैन साहब की बात सुनी है, आप इस पूरे वाक्य को किस नजर से देख रहे हैं? अभी 125 दिन करीब हो रहे हैं सरकार के दूसरे टर्म के, अभी 100 दिन जब पूरे हुए तो कई सारी अपनी जो 100 दिन की उपलब्धियां थी वो भी बताई गई, मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री लगातार बता रहे हैं,
और उसी बीच एक मंत्री ये कह रहे हैं कि मैं दलित हूँ इसीलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, विभाग के अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मानते नहीं, कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते, इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं वो। देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने तो ड्यूटी की, वो इसके अलावा वो उनके पास चारा भी गया है। 100 दिन की जो उपलब्धि थी उस पर कुठारा घात तो आपके खुद मंत्री जी दिनेश खटेक जी ने कर दी। और दलितों के साथ दुर्व्यवहार कोई नई बात नहीं है, स्वतंत्र देव जी को भी कितनी बार मंच पर किस तरीके से किनारे किया गया ये हम सब देखते रहे हैं। बहुत अच्छे शब्द मैं नहीं संभाल कर सकती कि किस तरीके से उन्हें लगभग धुपकारा जाता रहा गया है। जब कलराज मिश्रा जी का उन्होंने हाथ में पकड़ लिया था केशव प्रसाद मौर्य जी ने, तो किस तरीके से उनका हाथ झटका गया था, तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और जो दूसरा है योगी टू में, जब ये आज मात्र 100 दिन बाद ही इतना बड़ा बम फूट रहा है कि कभी जितिन प्रसाद जी के मंत्रालय से कुछ खबर आ रही है, कभी दिनेश खटेक स्वतंत्र देव जी के मंत्रालय से कुछ खबर आ रही है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी योगी वन में। जबकि सीतापुर सदर के विधायक राकेश राठौर जी लगातार पूरे 5 साल अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहे, और उन्होंने भी कहा, राकेश राठौर जी तेली वर्ग से आते हैं, पिछड़ा समुदाय, खुद उनका कहना था कि अधिकारी सुनते नहीं है, उनकी कुछ चल नहीं रही। तो अब मैं और इससे ज्यादा क्या कहूँ, एक सदर सीतापुर सदर सीट बहुत महत्वपूर्ण है, वहां के विधायक और उनका बहुत जनता पर प्रभाव है। तो आज दिनेश खटेक जी जो कुछ कह रहे हैं, सिर्फ अभी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि 9 मंत्री हैं दलित, तो बेबी रानी मौर्य दलित नहीं है, पिछड़ा वर्ग से आती है, उनको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, हम 8 मान लेते हैं। तो असीम अरुण जी एक पूर्व IPS अधिकारी हैं, उनका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरह के लोग अपने आप को दलित में नहीं गिनते। तो दलित समुदाय का एक्चुअली अगर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो शायद ये दिनेश खटेक जी कर रहे हैं, जिनको कि सिंबॉलिक आपने सांकेतिक रूप से मंत्री बनाकर आप एक समाज में उनके समाज को आकर्षित करना चाह रहे हैं वोट लेने के लिए। अच्छा मैडम, ये कह रहा था प्रैक्टिकली वो नहीं हो रहा, ये शिकायत के लिए अगर उन्हें इस्तीफा देना था या कुछ ऐसी पेशकश करनी थी, नाराज थे, तो यहाँ पर किसी से क्यों नहीं उन्होंने कहा, वो सीधे दिल्ली चले गए, ये भी कुछ समझ नहीं आया। ये भी तो समझने की बात है कि उनके अपने नेतृत्व पर उन्हें भरोसा नहीं, प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि या तो उन्हें राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए था या मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए था, बिल्कुल प्रोटोकॉल तो यही है, लेकिन बजाय इससे अगर वो वहां गए हैं तो समझ लीजिए कि यहां का जो आपका नेतृत्व पर भी आस्था नहीं है, या उससे भी इनको तिरस्कार मिल रहा है, जो कि बड़ी शोचनीय बात है कि अगर उनके मंत्री को, एक राज्य स्तर के मंत्री को अगर इस तरीके से तिरस्कृत किया जा रहा है तो वो कैसे काम करेगा। मात्र 100 दिन में आप इतना कुछ सामने आ गया, ढेरों नेम प्लेट लगी गाड़ियां मैं देख रही हूँ, शंखवार थरवार ये वो, लेकिन क्या है, क्या असल में आप उन्हें उतना आदर दे पा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी 2024 को लेकर जो बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा और दलित वर्ग से वोट लिए जाए, तो देखना ये पड़ेगा कि दलित और पिछड़े को क्या वाकई सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और अगर मिल रहा होता तो इस तरीके से अभी से बगावत किस वक्त बुलंद होने लगे। इतनी जल्दी ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से। शैलेंद्र भाई, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक मंत्री हैं, उन्होंने नाराजगी जताई अपने अधिकारियों से, फिर उन्होंने एक पत्र लिखा, उसमें त्याग पत्र का जिक्र भी कर दिया, कई बार बताया कि मैं दलित हूँ, सरकार कह रही है हम सबके साथ और सबके विकास का काम कर रहे हैं, और मंत्री खुद लिख रहे हैं कि मैं दलित हूँ, इस वजह से मेरी उपेक्षा हो रही है, मेरी कोई सुनता नहीं है, क्या कारण है, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार सब अच्छा अच्छा दिखा रही है, अच्छा अच्छा है नहीं, जो है वो दिखाने नहीं जाती है। भाई आप देखिए, ब्रजेश पाठक जी ने तमामों घोटाले पकड़े, कोई एक व्यक्ति उसमें गलत नहीं था, एक भी पूरे सिस्टम में एक आदमी भी खराब नहीं निकला, उसको ना वो सस्पेंड हुआ ना कहीं कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। उसके बाद आखिरी में उनके मंत्रालय की क्या स्थिति हुई आप देख ही रहे हैं, घूम घूम के वो, आप सोचिए कि विभाग का मंत्री जमीन पर बैठ करके निर्देश दे रहा है और उस तीमारदार को आज भी इलाज नहीं मिला है, ठीक है, और क्या स्थिति है ये तो दुनिया देख रही है, कितना कितना बड़ा हो रहा है सरकार का सामने है। और जैसे दिनेश खटेक जी हैं और अपने जितिन प्रसाद साहब हैं, तमाम लोग हैं, देखिए सरकार के अंदर दम घुटने जैसी स्थिति बिल्कुल है।
अच्छा, अब कोई कफन का इंतजार कर रहा है, कोई बिना पहले से बोलना चाहता है, जिसमें थोड़ी बहुत आत्मा जिंदा है वो बोल रहा है, और जिसमें नहीं जिंदा है वो तो मरा ही हुआ है, वो अपने आप को दफन मान ही रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बनी हुई है, जनता की भी स्थिति बिल्कुल सेम वैसे ही है, महंगाई के बोझ की तरह दबी हुई है, वो महंगाई से लड़ नहीं पा रही है। भाई 1100 रुपए का सिलेंडर है, आप सोचिए जो 350 का हुआ करता था, ऐसी स्थिति में 250 रुपए किलो कड़वा तेल हो गया है, आप सोच रहे हैं कहाँ पहुंच गया है। मतलब कोई खैरख्वाह नहीं है, खाने पीने की चीजों पर टैक्स और बेइंतहा टैक्स, दूध दही पनीर चावल, क्या क्या कहाँ से थे, कहाँ खड़ा कर दिया। विकास के नाम पर मैं अपने से जोड़ता हूँ या उस मंत्रालय से जोड़ता हूँ, उन लोगों का विकास क्या है मालूम आपको, वो विधायक से मंत्री बने, आम आदमी से विधायक बन गए, विधायक से मंत्री बन गए, और क्या मिल गया उनको? जैन साहब सुनिएगा, जवाब लूंगा आपसे। गाड़ी मिल गया, डीजल मिल गया, और दौड़ा रहे हैं चारों तरफ। जैन साहब भी उसी उसी समस्या से ग्रसित थे, लेकिन जैन साहब कह नहीं पाएंगे, जैन साहब शायद कोई दूसरी दुकान बता दे जहां से सामान लेते हैं। जैन साहब भी उसी समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन जैन साहब नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति है कि वो उन लोगों के प्रवक्ता नहीं है जो ये महंगा बढ़ा रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा का सब अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब ये है, आज जो गरीब आदमी की बात है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, 500 रुपए मजदूर पाता है, ठीक है, वो 500 रुपए में राशन तो फ्री मिले आएगा, और सब्जी क्या क्या वो चावल के साथ गेहूं कच्चे खाएगा, वो क्या स्थिति बना कर रख दी है कहीं, मतलब आप समझिए कि बहुत खराब स्थिति है। मध्यम वर्ग का बेड़ा गर्क कर दिया है इस सरकार ने, और अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी इस समय आज की डिबेट जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ इस बात पे है, किसकी आत्मा जिंदा किसकी आत्मा मरी है, लोगों का दम घुट रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। ऐसा ना हो कि ये सरकार पूरे 5 साल चल ना पाए बहुमत होने के बाद भी। अच्छा, ऐसा भी ये दूर की बात है, लेकिन चूंकि 100 दिन की बात आपने कही, तो 100 दिन में आपने देखा होगा तमाम सरकारों के मंत्री भागम भाग, कोई इस पर सारे मंत्रियों की स्थिति उस चुटकुले की तरह हो चुकी है जिसमें जंगल का राजा तो बदला लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा है, इस डाल से उस डाल से इस डाल हो चुका है, कोई कोई निष्कर्ष नहीं है, कहीं कोई हल नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पूरी तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा, और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ठीक है, ऐसी ठीक है। हाँ, जैन साहब जवाब दीजिए, क्या क्या कह डाला ये शैलेंद्र तिवारी ने, क्या दिक्कत है भाई इनको? देखिए दीति जी, जी घुटन किसको कहाँ पर हो रही थी? हाँ, दरअसल कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलता है, चार मान लिया कांग्रेस का वजूद खत्म है, ये पहले गठबंधन करते हैं, महंगाई का वजूद तो है, अभी जैन साहब आपने मान लिया कांग्रेस का वजूद खत्म है आपके हिसाब से, लड़ने से हो जाती है, महंगाई का वजूद तो बना दिया आपने। अरे शैलेंद्र जी सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा मैंने एक टिप्पणी की, मैं बीच में बोल सकता था। नहीं नहीं, बोलिए आप सुन लीजिए। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कह रहे घुटन हो रही, तो जनता जहां जहां घुटन महसूस कर रही थी जनता ने जवाब दे दिया। इनकी जो पंजाब में सरकार थी वो भी चली गई, और जहां जहां इनकी सरकारें पहले से थी वो तो जा ही चुकी थी। ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी पूरा ना चल पाए। नहीं नहीं, दरअसल क्या है कि ये बहुत पीड़ा से कांग्रेस गुजरी हुई, और कांग्रेस की पीड़ा जायज भी, कांग्रेस छटपटाहट में है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हर चीज भाग्य से नहीं होती है, कुछ चीजें कर्म से होती है, और कांग्रेस के कर्म इतने खराब रहे हैं कि उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद खाता खुलने की स्थिति नहीं आती है। लोकसभा में भी यही हुआ, एक सीट पे सिमट गए, विधानसभा में भी यही हुआ, एक सीट पे सिमट गए। तो कांग्रेस की पीड़ा तो जायज है, और जो ये कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, आपने तो इतने घोटाले किए, आपने महंगाई भी रही और घोटाले भी किए, लेकिन जनता देख रही है कि उसको हो सकता है कुछ चीजों में महंगाई का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ चीजें महंगी हुई है, लेकिन हमने राहत देने का भी काम किया है। हमने पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स है उसको लगातार घटाया है, इसके पहले उत्तर प्रदेश ने अपना वैट भी घटाया, और केंद्र सरकार ने भी अपना टैक्स घटा करके 10-10 रुपए 9-9 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पे कम करने का काम किया। अगर ये कांग्रेस होती
तो आज ये पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर बिक रहा होता। ठीक है, जवाब दे रही है, ये जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र तिवारी, जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में लोगों का दम घुट रहा है, मंत्री इनके जा रहे हैं, मंत्री कहीं गए नहीं है, जा रहे नहीं है। और एक चीज है, यहाँ जा सकते नहीं, वो ये कह रहे हैं जिनका जमीर जिंदा है वो कफन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। अरे अरे अरे, यही तो बात है ना, कांग्रेस तो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है। तो सरकारें जो थी वो जो है जिस कफन की बात कर रहे हैं ना, वो सरकारें लिपट करके चली गई उसी में। उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो चुका। ठीक है जान साहब, जवाब ले लूं, कुछ कह रहे हैं तिवारी जी, कुछ कह रहे हैं। दस सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ बार बार, तो देखिए जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि मंत्री कोई छोड़ के नहीं जा रहा, उनके यहाँ पर क्या है, अगर राहुल गांधी जी के सामने कोई चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो पार्टी से रातों रात बाहर हो जाता है, उसके खिलाफ बीच जाके बैठ जाती है। यहाँ पर वो मंत्री बने हुए, अभी उनका इस्तीफा कोई स्वीकार नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, इस्तीफा उन्होंने दिया है, इस्तीफा हुआ है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र कहाँ पर है, सही नहीं है। ठीक है, जवाब ले लें। हाँ शैलेंद्र जी, क्या देखिए, इन्होंने कहा कि 70 साल में जो है महंगाई, 70 साल लग गए कांग्रेस को 70 रुपए पेट्रोल लाने में, आपको 7 साल लग गया 100 रुपए पहुंचा दिया आपने, उसमें भी स्थिति आपकी ऐसी हुई, चुनाव खत्म हुआ, चुनाव उत्तर प्रदेश का आने लगा, आपने 10 रुपए कम किए, यानी कि आप सरकार सिस्टम में है, आप कभी भी कम कर सकते हैं, ये तो तय हो गया। आप इसका मतलब आप जनता का खून पीना चाहते हैं, एकदम मशीन लगा के खींचा चाहते हैं, जब आपको लगता है कि 7 ज्यादा ले रहा है, पंजाब में आपने कम कर दिया होता ना, बोल तो लेने दो भाई, पंजाब में आपकी सरकार थी, छटपटाहट में समझ रहा हूँ, छटपटाहट समझ रहा हूँ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना, मेरी बात आने दीजिए जैन साहब, मेरी बात आने दीजिए, मैं छटपटाहट समझ रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैंने आपकी नब पकड़ ली है, और नब यही है कि लोगों को ये पता लग गया है कि ये सरकार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जुमलों में फंसी हुई है, जिस सरकार को ये कहना पड़े कि असंसदीय शब्द कौन से हैं, जब इस पे लोग काम कर रहे हैं कि ये सब तानाशाह कहना असंसदीय है जो है, इन सब इन चीजों पे जब ये बात चलने लगे, सरकार इस पे काम करने लगे, तो सोच लीजिए कि सरकार कहाँ पहुंच गई है। एक बात, महंगाई की बात आप कर रहे हैं, 70 साल की बात की इन्होंने, 350 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था वो महंगा था, आज जो 1100 का है वो सिलेंडर सस्ता है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का है, और जो 350 का था वो राष्ट्र निर्माण का सरकार सिलेंडर था, वो स्थिति, अरे कुछ भी नहीं कर पाए उसमें, आप इन घोटालों में आप कुछ कर नहीं पाए ना, सरकार इसमें नकारी रही, सरकार झूठ बोल रही थी, क्या किया सरकार ने बताइए, इसमें 2G घोटाला झूठ बोला, वहां पर भी झूठ बोला आपने, वहां पर भी झूठ बोला, कांग्रेस खा गई उसकी जांच कराने में, और जांच कराने के बाद क्या किया, तब पास कोई दोषी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, आप मोदी को नहीं, तो जनता ने इन सारी चीजों को देखा ना, कहां से राज्यों में चुनाव हुआ, आप यही सब चीज बताते रहे, आप बताते रहे किसान परेशान है, आप बताते रहे दलित परेशान है, आप बताते रहे नोटबंदी के लोग परेशान रहे, आप सारी चीजें गिराते रहे, आप जीएसटी गिराते रहे, और जनता ने आपको ठेंगा दिखा दिया, पांचों राज्यों में जनता ने आपको ठेंगा दिखा दिया, आप जीएसटी नोटबंदी गिराते रहे, सबके सब सारे लोग बाइज्जत भरी आपकी सरकार में है, आप एक लाइन से झूठ बोलते चले जा रहे हैं, और लड़ाई आज भी झूठ और सत्य की है। नहीं तो यूपी में तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है ना। देखिए जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो फिर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्यों मंत्री कह रहा है कि हमको तो खाली कार और डीजल दे दिया, हम घूम रहे हैं, अरे तो किसने कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा घोटाला हो गया, अगर मान लीजिए मंत्री घोटाला कौन सा हो गया इसमें, अगर मंत्री को लगता है तो उसकी बात नहीं सुन रहे, सारी बातें नहीं मान रहे, अरे उनके ऊपर बैठा है कैबिनेट मंत्री सारी चीजों को पास कर रहा है, आप मीटिंग में बैठिए, अपनी बातें रखिए, मान लीजिए कैबिनेट मंत्री की बात कोई नहीं मानी गई, तो घोटाला कौन सा हो गया,
घोटाला खड़े हो गया वो असंतुष्ट हो सकते हैं कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है जैन साहब, लेकिन इसके बाद घोटाला खड़े हो गया सरकार के साथ है ना, नो टॉलरेंस में तो कोई कमी नहीं है ना, इसमें जीरो टॉलरेंस में कौन सी कमी आ गई सामने है, कहां भ्रष्टाचार खुला, कहां पकड़ लिया आपने, आप बताइए क्या किया ब्रजेश पाठक ने, वो पकड़ा 32 करोड़ दवाओं को घोटाला, किसको सस्पेंड किया आपने, कौन सस्पेंड हुआ बताइए, कहाँ पकड़ा गया, कौन सा जीरो टॉलरेंस है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सारी चीजें पता है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप ना सिस्टम के ना सेटअप के, आप तो प्रवक्ता है, आपके समय में घोटाले छुपाए जाते थे, तो बताओ भैया मंत्री घोटाले छुपाते थे, किसको जेल में डाला, लेते थे, सरकार लूट करते थे, जेल में डाला, और आपकी सरकार में ऊपर ही लूट नहीं कर रहे, आपकी सरकार में ऊपर ही उजागर कर रहे, आपके एक आरोप से हमने जेल में डाल दिया था, कैसी बात कर रहे हैं, आपने एक आरोप लगाया ये हो रहा है, उसमें बात जब भरी हुई है, आपने मनमोहन सिंह जो कि बेचारे ईमानदारी का पुतला है, उस पर आरोप लगाया, आपकी सरकार में बात जब भरी पाए गए, आप सब टोटल फ्रॉड लोग हैं, आप समझिए, आप वहाँ गलत जगह पहुँच गए हैं, ये फ्रॉड के बीच में आप फंसे हुए हैं, समझिए जैन साहब, फ्रॉडियों के बीच में आप पहुँच गए हैं, इनका एजेंडा है, झंडा डंडा प्रोपेगेंडा, फ्रॉडियों की सरकार जा चुकी है, उनकी सरकार जा चुकी है, उन्होंने न्यायपालिका का सम्मान नहीं किया, फ्रॉड करके जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते थे, जो उसके बाद में आपातकाल लेकर के आते थे, उनकी सरकारें जा चुकी है, ठीक है ठीक है, ठीक है जैन साहब, जो तारा साहब थे, ठीक है, जो राजशब्द लेकर के आए थे, उनकी सरकारें जा चुकी है, ठीक है जैन साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, शिल्पी जी हमारे साथ हैं, शिल्पी जी अभी जैन साहब कह रहे थे कि क्या हो गया अगर पत्र लिख दिया, अधिकारी नहीं सुन रहा, उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी, उनके ऊपर कैबिनेट मंत्री बैठा है, वो सारी चीजों को क्रॉस चेक करता है, और क्रॉस चेक होने में अगर कहीं पर कुछ ऐसा लगता है तो वो उस चीज को रोक देता है, तो उसमें कोई बड़ा कारण नहीं है, आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है पहले भी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया इन्होंने बताई वो ठीक है, प्रक्रिया बताने में हो सकता है उन्होंने बताई हो ठीक हो, लेकिन मुझे बताइए कि सारे आरोप जब ये समाजवादी पार्टी की सरकारों पर लगाते रहे, हर तरह के आरोप, कि माफिया थे, वसूली थी, गुंडारा था, ये था, वो था, ठीक चलिए, पशुपालन घोटाला, पशुपालन विभाग में घोटाला निकल कर सामने आया, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला निकल कर सामने आया, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटाले निकल कर सामने आ रहे, पूरा पूरा भ्रष्टाचार, इतना कि दिल्ली तलब किया जा रहा है जितिन प्रसाद को, क्या कर रहे हैं आप, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप बताइए ही मत, पूछिए ही नहीं कि क्या हो रहा है, लखनऊ में 15 तारीख से एक लड़का गायब है और सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, उसका पूरा परिवार मुख्यमंत्री के दरवाजे पर थर पटक पटक कर आ गया, शीरों की एसिड अटैक पीड़िताओं के रोजगार खत्म कर दिए गए हैं कारण बताए बगैर, लेकिन ये खबर तक इस शहर का कोई पत्रकार अपने अखबार में छाप नहीं रहा है, बेबी रानी मौर्या जी से बात कर ली, महिला आयोग दरखास्त कर ली, कोई सुनवाई नहीं है, जिलाधिकारी उनको समय नहीं दे रहे हैं, तो कौन सी गवर्नेंस आप कर रहे हैं, क्या पूरा पांच साल तो खैर हो सकता चले ना, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो संभावनाएं अभी से सबको दिख रही हैं, तो लोकसभा चुनाव निपटते इनकी सरकार ही ना निपट जाए, जैन साहब हंस रहे हैं आपकी बात, आप बताइए कि 5 साल, हाँ वो बेचारे हंसने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सही कह रहे हैं कि इनके पास चारा क्या है, बस हंस सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर दोषार ऊपर लगा सकते हैं, इनके पास एक जवाब नहीं था, बहुत सारे घोटाले इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए, लेकिन गिरफ्तारी कितनों की हुई, गिरफ्तारी हुई भी तो सजा कितनों की हुई, इज्जत बरी हो गए ना, तो आप सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं, प्रोपोगंडा से आप 5 साल निकाल ले गए, सड़क सबने देखी ना, सड़क गायब हो गई है, कांग्रेस का इतना बचाव कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही लड़ जाते हैं तो शायद कुछ इज्जत बच जाती, आप पे तो शिवपाल यादव जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप पे तो आजम खान साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके लोग आप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसका क्या, अरे यहाँ पे तो अगर कैबिनेट है, कैबिनेट के साथ राज्यमंत्री है, राज्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि अधिकारी मेरी बात सुनते नहीं, उस पर आप हाथ उठा बचा रहे हैं, और आपके राजभर जी क्या कह रहे हैं, आपके गठबंधन में राजभर जी कहते नहीं, हम वोट तो
किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देंगे जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है। हम तो अखिलेश यादव जी उनको रोक नहीं पा रहे। काहे का गठबंधन? काहे का गठबंधन? क्या सोच के गठबंधन किया है? उनकी बात नहीं मान रहे, उनके मंत्री उनकी बात नहीं मान रहे, उनके उनके विधायक उनकी बात नहीं मान रहे। कैसा गठबंधन है ये भाई? गजब का गठबंधन है। आपके शिवपाल यादव जी सवाल खड़ा करते हैं बार बार कि आपने ऐसे व्यक्ति को समर्थन दिया जिसने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आईएसआई का एजेंट कहा था। आप फिर भी खुश है कि नहीं हम तो समर्थन देंगे भाई, भाजपा का हमको विरोध करना है। तो आपके लोग आपके विरोध में खड़े हैं, उनको संभालिए। यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई जा नहीं रहा है कहीं पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल खड़ा किया है, एक तो जो है शिकायत की है, शिकायत का निपटारा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके वहाँ तो खंड खंड हो रही पार्टी, और पहले से खंड खंड हो चुकी है, और तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, एक चीज याद कर लीजिए, शायद आपको जानकारी ना हो या जानकारी उसको आप छुपा रहे हैं। मान यही आपके आपके आजम खान साहब ने कहा था सरकार बनने के बाद, जब 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तब आजम खान साहब ने कहा था हमारी तो विभाग में चपरासी भी नहीं सुनता है। ठीक है प्लीज, ठीक है, कोई नहीं पूछता। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया। तब क्या था? अपना काम क्या कर रहे हैं ये भाजपा? अपना काम क्या कर रही है? यही ट्रांसफर और पोस्टिंग, यही ट्रांसफर और पोस्टिंग करके आप अपना काम दिखाना चाह रहे हैं? तो अधिकारियों से पूछ लीजिए कि कितने के ब्रीफकेस चल रहे हैं, वो भी पूछिए। किसी अधिकारी को बैठाइए, कैमरे पे बैठाइए उसको, उसका चेहरा छुपा के बैठाइए, अभी बताएगा कि कौन ट्रांसफर कर रहा है और कितना चल रहा है। ये जो बातें हो रही है ना, ये देखिए इनके मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया। अभी तो सिर्फ इतना, अरे किडनैपिंग का धंधा चलता था, किडनैपिंग का अपहरण प्रदेश बन गया था उत्तर प्रदेश। अब यहाँ अपहरण नहीं होते, अपहरण जैसा रोजगार यहाँ नहीं चलता है। अब यहाँ पर बलात्कार नहीं होते, बच्चों से गलतियाँ नहीं होती है, अब बच्चों से गलतियाँ नहीं होती है। अब आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं होते। ये है पर्वतर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, प्लीज, ठीक है, हो गया भाई। लंबे समय के बाद फिर से जनता ने एक बार योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हो गया, हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज, ठीक है, ठीक है। जनता ठीक है भाई, हो गया आप लोगों का, प्लीज, ठीक है, ठीक है, हम भी विजय जी के पास चलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिल्पी जी। हाँ, विजय जी के पास चलेंगे। ठीक है विजय जी, अब आगे की क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की हो सकती है, क्या बात बनेगी? हालांकि अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये पता चल रहा है कि दिनेश खट्टिक अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने वाले हैं। हो सकती है कि मुलाकात हो और वहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं कि सेटल हो जाएं। तो ये पहले भी हो सकता था, ये करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या खुद को कहीं ना कहीं सिंपथी गेन करने का एक ये तरीका था? नितिन जी देखिए, क्या है कि दिनेश खट्टिक ने जो एक मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल मूव जो था, हाँ, जो उनको लगा वो उस तरीके से मूव किया, उन्होंने एक प्रेशर पॉलिटिक्स को कहते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट करने की कोशिश की। हाँ, और मैं कहूंगा कि अगर अब मुख्यमंत्री के पास जाकर के चीजों का सेटलमेंट हो रहा है या बातचीत हो रही है, तो निश्चित तौर पे वो एक दबाव बनाने की जो रणनीति थी उसमें दिनेश खट्टिक सफल हुए हैं, अगर ऐसी बात है तो। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये एक इनकॉन्फिडेंस, जो एक कॉन्फिडेंस नहीं होना या कॉन्फिडेंस अपने लीडरशिप के लिए जो है, एक मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, जब एक मुख्यमंत्री ऑलरेडी यहाँ पर हैं और ये बहुत सेकेंड टर्म में योगी आदित्यनाथ का एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो इसमें जो भी मंत्रिमंडल है और जो मंत्रिमंडल की जो शिकायतें थी उनका हल जो है यहाँ पर निकलना चाहिए था। बेहतर यही होता कि मंत्री चाहे राज्य मंत्री के स्तर का मंत्री हो या कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, वो अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने के लिए ओपन होता सब कुछ, मतलब कि आप अपनी बात को खुल के रख सकते हैं और उसका समाधान आपको मिल सकता है। इसके लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल या पार्टी की लीडरशिप के पास जाना पड़े और एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में उस चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब ऐसा लगता है जैसे कि आपने अपनी लीडरशिप में अपना जो कॉन्फिडेंस था उसको खो दिया हो। ऐसा क्यों है आखिरकार? मेरा सवाल ये है, ये एक जो है यूपी की जो योगी आदित्यनाथ 2 सरकार जो है, ये एक्चुअली एक मंत्री के साथ नहीं हुआ है। ये चर्चा जो है हमने स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री की सुनी, हमने ये पीडब्ल्यूडी की भी सुनी, और ये तीसरा जो है, और ये जो है अभी 100 दिन सरकार ने पिछले ही महीने अपने पूरे किए हैं, और ये बातें बहुत
जल्दी से सामने आने लगी हैं, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। तो बीजेपी को अभी 24 का चुनाव भी झेलना है, और जब वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश के 72 ये संसद की सीटों के लिए जो है वो जैसे कि पहला रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया था, अगर वैसा ही मेंटेन करना चाहती तो मैसेजिंग स्ट्रांग करनी होगी। और ये जो चीजें जो सामने आ रही हैं, ये लोगों का कॉन्फिडेंस भी सरकार के लिए डगमगाने वाली स्थिति पैदा कर सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार देखने को मिली है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 37 साल बाद सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन महज 100 दिन के बाद ही उनके एक मंत्री की तरफ से पत्र जारी करके अपने पद से इस्तीफे की जो पेशकश है वो कर दी गई है। अमित शाह से इसकी शिकायत की गई है कि विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुनते और उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि दिनेश खटिक की जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो सकती है, लेकिन मुलाकात के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना है हमें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस वाक्य के बाद दिनेश खटिक की जो समस्याएं हैं वो सुधर जाएंगी, और दलित होकर के उपेक्षित होने का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है क्या वो उसमें सरकार सच में इस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।